गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग सब ठीक हैं। तो आज की हमारी पोइम है टू स्लीप, यानी कि सोने के बारे में। हम सब सोते हैं और सबको नींद बहुत पसंद है, तो आई होप आपको ये पोइम भी बहुत अच्छी लगेगी। इस पोइम के पोइट जो हैं, जिन्होंने ये पोइम लिखी है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और ये क्या कहते हैं इस पोइम में, आगे पढ़ते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप दैट लेजरली पास बाय वन आफ्टर वन, द साउंड ऑफ रेन एंड बीज मर्मरिंग द फॉल ऑफ रिवर्स विंड्स एंड सीज। कहते हैं कि जो शीप होती है, उनका जो झुंड होता है, उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो वही कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप दैट लेजरली पास बाय, एक शीप्स का, एक भेड़ों का झुंड जो बड़े आराम से बिना किसी फिक्र के जो घूम रहा है। वन आफ्टर वन द साउंड ऑफ रेन एंड बीज, एक एक करके जो बारिश की आवाज़ होती है, जब बारिश पड़ती है उसकी आवाज़ें होती हैं, बीज यानी कि मधुमक्खियों की आवाज़ें जो होती है, मर्मरिंग द फॉल ऑफ रिवर्स विंड्स एंड सीज, जो फुसफुसाने की आवाज़ होती है रिवर्स के बहने की, या जब नदियाँ बहती है, या हवाएँ चलती है, या समुद्र की जब लहरें उठती हैं। स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई, आई हैव थॉट ऑल ऑफ ऑल बाय टर्न्स एंड स्टिल आई लाई। कहता है स्मूथ फील्ड्स, बहुत खूबसूरत से जो खेत हैं उनके बारे में। वाइट शीट्स ऑफ वाटर, वाइट शीट्स ऑफ वाटर का मतलब है स्नो, जब बर्फ़ गिरती है तो वो पानी होता है जो जमा हुआ होता है और वो वाइट कलर का होता है, तो जब वो सब जगह फैली रहती है तो वो वाइट शीट्स बन जाती है। सो वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई, और खुला आसमान। आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाय टर्न्स एंड स्टिल आई लाई, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके सोचा है और तब भी मैं इस तरह से चुपचाप करके बैठा हुआ हूँ। स्लीपलेस द एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज मस्ट हियर फर्स्ट अटर्ड फ्रॉम माई ऑर्चर्ड ट्रीज। कहता है स्लीपलेस, बिल्कुल नहीं, नींद ही नहीं आई, मैं पूरी रात ऐसे ही जागता रहा, और थोड़ी देर के बाद सुबह जब हुई और छोटे छोटे पक्षियों की खूबसूरत सी मेलोडीज, मतलब उनकी जो आवाज़ें होती हैं, वो खूबसूरत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मस्ट हियर फर्स्ट अटर्ड फ्रॉम माई ऑर्चर्ड ट्रीज, ऑर्चर्ड होता है जो फ्रूट्स के बगीचे होते हैं, उनको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो कहता है मेरे जो फ्रूट के बड़े बड़े से बाग हैं, वहाँ से मेरे घर तक जो खूबसूरत से ये पक्षी हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। एंड द फर्स्ट कुकूज मेलंकली क्राई इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स बिफोर आई ले। कहता है कि कुकू एक तरीके का पक्षी होता है जो वो दर्द भरी आवाज़ में गाता है, और ये सब आवाज़ें जो है वो मुझे सुबह सुनाई देती है। इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स बिफोर आई ले, कहता है जो कल रात थी वो उससे पहले जो रात थी, वो उससे पहले जो रात थी, मतलब काफ़ी दिनों से, काफ़ी रातों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ, रात भर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, और सुबह हो जाती है जब तक जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं। कहता है एंड कुड नॉट विन दी स्लीप बाय एनी स्टेल्थ विदाउट दी व्हाट इज ऑल द मॉर्निंग्स वेल्थ। कहता है मैं किसी भी तरीके से तुम्हें जीत नहीं पाया हूँ। वो किस को जीतने की बात कर रहा है, स्लीप को, यानी कि नींद को। कहता है मैं किसी भी तरीके से, बाय एनी स्टेल्थ, यानी कि किसी भी तरीके से, कुछ भी जुगाड़ लगा के, कुछ भी सोच कर, कुछ भी तरकीब लगा कर, मैं तुम्हें जीत नहीं पाया हूँ, इतना सोच कर भी मैं तुम्हें जीत नहीं पाया हूँ। स्लीप को बोल रहा है, मतलब नींद को, कि मैं आपको कुछ भी करके जीत नहीं पाया हूँ। विदाउट दी व्हाट इज़ ऑल द मॉर्निंग्स वेल्थ, बिना तुम्हारे, बिना अच्छी नींद के सुबह का मज़ा ही क्या है। अगर हम अच्छी नींद ना सोए तो हमें सुबह बिल्कुल थका थका हुआ सा लगता है, मायूस सा लगता है। तो वही है कि अगर हम रात को अच्छी तरीके से नहीं सोएंगे तो सुबह उठ कर हमें बहुत ही अजीब लगता है। तो वही कहता है कि अच्छी नींद होने पर ही तो हमें अच्छी सुबह का एहसास होता है। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। कहता है आओ, जो ये रात रात होती है वो एक दिन और दूसरे दिन के बीच का एक खूबसूरत सा बैरियर होता है, वो ऐसा समय होता है जब हम अपने लिए ही सिर्फ कुछ करते हैं, वो है हम सोते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को हम रेस्ट देते हैं, आराम देते हैं, ताकि दूसरे दिन हम अच्छे से सारे काम कर सकें। तो वही कहता है कि आइए, आओ नींद, तुम मुझे ब्लेस करो, मुझे
थोड़ा सा तो अपने साथ रहने दो, थोड़ी नींद आए मुझे, जिससे कि मेरा दिन जो है वो अच्छा बने। डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंजॉयज हेल्थ, ताकि दूसरे दिन जो मुझे वेल्थ मिले, जो मुझे नई चीज़ मिले वो मिले मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स, अच्छे अच्छे ख्यालात आएँ, और जॉयस हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छी जो है मेरी सेहत बने। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैं रात को काफ़ी दिनों, मतलब काफ़ी रातों से जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे हर तरीके के ख्याल आते हैं, बारिश के, नदियों के, हवाओं के, पक्षियों की आवाज़ों के, सब चीज़ों के ख्याल आते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। और मैं तब तक जागता रहता हूँ जब तक मेरे बगीचे से, बाग के जो बाग है मेरे, वहाँ से जो मेरे बहुत खूबसूरत से पक्षी हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, तब तक मैं जागा रहता हूँ। और ये भी कहता है कि तुम्हारे बिना, मतलब अच्छी नींद के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता, ना ही अच्छे थॉट्स मिल सकते हैं, ख्यालात मिल सकते हैं, ना ही हमें अच्छी हेल्थ मिल सकती है। तो इसीलिए कहता है कि हमारे लिए सोना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी सब कुछ है। तो बच्चों, इसके अगर आपको कुछ सवाल हैं, कोई चीज़ जो आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपकी सेकेंड लास्ट पोइम है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पोइम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बच्चों।